हाल ही में ही इंडियन गवर्नमेंट ने UIDA का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, यानी कि पुराना पोर्टल अभी काम कर रहा है लेकिन अभी आपको नया पोर्टल में बहुत सारा फीचर्स मिलेगा। नया पोर्टल में आप अपना आधार कार्ड को चेंज कर सकते हैं, नेम बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, या फिर अपना एड्रेस अगर आपको बदलवाना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं यानी कि आधार कार्ड का करेक्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो लोग को आधार सेंटर में जाके काम कराना था वो लोग अपने घर बैठे ही OTP के जरिए काम सब कुछ कर सकते हैं। और साथ में बात करेंगे UIDA की तरफ से जो पुराना पोर्टल लॉन्च हुआ था, पुराना वेबसाइट और नया वेबसाइट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना है गूगल पे और आपको यहां पर टाइप करना होगा TECHMEHER UIDAI न्यू पोर्टल, इसके बाद एंटर। सबसे पहले ही लिंक आएगा UIDAI न्यू पोर्टल, कैन वी अप्लाई ऑनलाइन न्यू आधार, यहाँ पर लिखा है लिंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ कि UIDAI की तरफ से जो नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है और ओल्ड वेबसाइट जो पहले से था उसमें क्या अंतर है, और जो नया वेबसाइट में क्या आप अपना नया वाला आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर चेंजेस कर सकते हैं, इसमें सब कुछ मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए UIDAI न्यू वेबसाइट लिखा है, क्लिकर का एक लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर UIDAI ओल्ड वेबसाइट भी है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखिए नया वाला वेबसाइट तो इसी तरीके का है और पुराना जो वेबसाइट है इसी तरीके का दिखेगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से बहुत सारा काम होता था। सबसे पहला और बड़ा रीज़न तो यही है, जैसे आप नया वाला वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका आधार नंबर देंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड OTP करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे। लेकिन इसके बाद जितना बार चाहे उतना बार आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, PVC कार्ड कर सकते हैं, लेकिन पुराना वाला वेबसाइट में ऐसा नहीं था। जबकि आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होता है तो हर बार आपको OTP डालना होगा, हर बार ही आपको सब कुछ डालना होगा, आपको यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल नज़र नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करके नया वाला वेबसाइट में अपना आधार नंबर डालूंगा, कैप्चा डालूंगा, साइन OTP करूंगा, OTP डाल के आपको दिखाता हूँ। OTP डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। एक बार आपने लॉगिंग इन पर क्लिक कर लिए तो आपका प्रोफाइल ही ओपन हो जाएगा। अभी आपको बार बार OTP डालने की ज़रूरत नहीं है। पहला है डाउनलोड आधार, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है आपके सामने शो करेगा। बस आपका डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपका जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले से बैक आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे पुराना वाला वेबसाइट की। जो ओल्ड वेबसाइट था यहाँ पर आधार कार्ड डालेंगे या फिर एनरोलमेंट ID डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा डाल के सेंड OTP करेंगे तो एक बार OTP आ जाएगा, तो एक बार ही आपको डाउनलोड होगा। फिर आपको बाद में ज़रूरत होगा तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, या फिर PVC कार्ड को भी आप इस तरीके से डाउनलोड या फिर सेंड नहीं कर सकते। जबकि नया वाला वेबसाइट में अगर आपका एक बार यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आएगा ही, साथ में ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद आपके घर में ही जो आपका एड्रेस में मेंशन किया गया है आधार कार्ड में, वही एड्रेस पर PVC कार्ड यानी कि प्लास्टिक कार्ड आधार कार्ड में आ जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एग्री करना है, बैंक पेमेंट करना है, तो आपका पैसा जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की मदद से कटा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में अपडेट करना है तब भी आप यहां पर क्लिक करके प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस ये सब कुछ आप अपने आधार कार्ड में चेंज करा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना जो भी चेंजेस कराना है उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो उसी कंसर्न पेज पर आप ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपका जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आधार कार्ड में चेंजेस हो जाएगा। और बाकी का जो है बैंकिंग लिंक स्टेटस, जनरेट वर्चुअल ID, लॉक ऑन लॉक बायोमेट्रिक्स, लॉक ऑन लॉक आधार, ऑफलाइन EKYC, इतना सारा सर्विस अभी फ़िलहाल ऑफ है, एनेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हिस्ट्री, जब भी आप यहां पर पेमेंट करेंगे, मान लीजिए मैंने PVC कार्ड ऑर्डर किया, 50 रुपीज़ का पेमेंट किया, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे यहां पर शो करेगा मैंने कितना बार पेमेंट किया हूँ,
कितना बार फेल हुआ है, कितना पेंडिंग है और कितना सक्सेस है आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद जो पहले की बात करें, पहले वेबसाइट में ऐसा कुछ था नहीं कनेक्शन। जब भी आपको करना था आपको होम पेज पर ही करना है, आपको यहाँ पर सेपरेटली कोई भी डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, जबकि आपको नया वाला में डैशबोर्ड मिल रहा है। बस आप ही का प्रोफाइल है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ही का नाम शो करेगा। अगर आपको यहाँ से बाहर आना है तो यहाँ पर लॉगआउट पर क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर आपको आधार कार्ड के साथ लॉगिन करना है तो यहाँ पर करेंगे तो एक आधार कार्ड में जितना भी सर्विस है आपके सामने शो करेगा। सो अब पहला और नया वाला जो वेबसाइट की बात करें तो नया वाला वेबसाइट सबसे बेहतर है और बहुत ही इजी है। अगर आपको नया वाला वेबसाइट में आधार कार्ड को अपडेट कराना है तो कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज करा सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर को ऐड नहीं करा सकते क्योंकि ये OTP बेस्ड है। अगर आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड कराना है तो नियरेस्ट जो भी आधार सेवा केंद्र है वहाँ पर जाके ही आप ऐड कराना होगा। एक बार आप वहाँ पर ऐड करा लिए तो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर आपका एड्रेस, जो भी चेंजेस कराना है आप OTP के जरिए सब कुछ चेंज करा सकते हैं घर बैठे ही। तो बहुत सारा सर्विस जो है ओल्ड वेबसाइट में नहीं था, जबकि नया वाला में बहुत सारा सर्विस है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम लिंक, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं।